सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस फिजिकल के बारे में। झारखंड पुलिस का फिजिकल कब होने वाला है और झारखंड पुलिस में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कितने फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो इसी के चलते हम आप बात करेंगे। और इसका फिजिकल कब होने वाला है और इसके फिजिकल में क्या क्या होता है, कितना प्रोसीजर होता है और मेल और फीमेल को कितना रनिंग में पास करना पड़ता है, इसकी दौड़ आपको मई में देखने को मिलेगी झारखंड पुलिस का फिजिकल का। अगर आप लोग अभी से अपना फिजिकल स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों के लिए सही होगा। और झारखंड पुलिस में आपको मेल के लिए 10 किलोमीटर आपकी रनिंग होने वाली है और फीमेल की आपको 5 किलोमीटर रनिंग होगी, जो कि 30 मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा बहुत प्रोसीजर होगा फिजिकल के बारे में। फिजिकल आपका, जैसे आपका फिजिकल कम्प्लीट होगा, इसके बाद आपको तुरंत मेडिकल होगा। तो मेडिकल के बारे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि मेडिकल, आप हमारा मेडिकल कहाँ पर होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारा मेडिकल तुरंत होगा या फिर बाद में हमें बुलाया जाएगा। दोस्तों आपका जैसे फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपको तुरंत आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल के लिए मैं वीडियो बना दिया हूं और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और ये झारखंड पुलिस में जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, वैसे आपको दूसरे दिन आपका मेडिकल देने पड़ेगा। इसके बाद 2 या 4 महीने के बाद आपका फिजिकल होगा। मैं आपको कुछ जानकारी बताऊँगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर झारखंड पुलिस में टोटल आपको पोस्ट 4919 टोटल पोस्ट थी। अगर आपने किस में आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर आपने रेगुलर में डाला होगा तो आपको 3799 पोस्ट इसमें थी। अगर बैकलॉग में डाला होगा तो आपको 1120 पोस्ट थी और टोटल इसमें पोस्ट आपको 4919 पोस्ट थी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होने वाली थी आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, आपके पास हाई स्कूल अगर हो तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी आपने अगर पास किया हो तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात करने वाले हैं एज लिमिट की। इसमें एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 25 साल तक इसमें एज थी और 2 साल की इसमें छूट दी गई थी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल 27 साल इसमें किया गया था और छूट में 2 साल दिया हुआ था। फिजिकल एलिबिटी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आपको 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट लगनी है मेल की। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपकी न्यूनतम सीना, आपका सीना कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए और न्यूनतम आपका चेस्ट 79 होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए इसमें, ठीक है। और महिला के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें 148 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है और इसमें छाती महिलाओं की नहीं नापी जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एलिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक रूप से बनावट में मुड़ाव, घुटना, धनु, पैर समतल और स्टीप, सिरा, उंगलियां का उचित ढंग से नहीं घुलना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंड, नेसल मतलब रतौंधी जैसे इस तरह का रोग आपके पास नहीं होना चाहिए। चिकित्सीय रूप से आप लोग स्वस्थ होना चाहिए तभी आप लोग झारखंड पुलिस मेडिकल में आप लोग स्वस्थ हो सकते हैं, तभी आप लोग मेडिकल में फिट हो पाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें तो पहले आपका पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका PST होता जो, इसके बाद आपका चिकित्सा जाँच होगा जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा आपका 2 बार होगा, ठीक है। आपका लिखित परीक्षा जो है 2 बार होगा झारखंड पुलिस में। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड पुलिस रनिंग डेट 2024 ओवर रिव्यूज आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम ऑफ आर्टिक्स है झारखंड पुलिस फिजिकल रनिंग डेट, बोर्ड नाम झारखंड पुलिस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSC है, वैकेंसी नाम झारखंड पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और इसमें टोटल पोस्ट आपको दिया था 4919 पोस्ट दिया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10 पास होने वाली है। PIT रनिंग डेट नीचे दी गई सारी आपको मैं बताऊँगा कि आपकी रनिंग कब होने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड पुलिस रनिंग डेट 2024 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSC द्वारा झारखंड आरक्षित भर्ती, झारखंड सिपाही भर्ती हेतु 4919 पदों पर अधिक सूचना जारी आवेदन मांगे गए हैं। इस पद पर चयन हेतु 3 महत्वपूर्ण चरणों को निर्धारित किया गया है जो अधिक सूचना के अनुसार इस प्रकार है, ठीक है। अभी जो हम आपको ऊपर बताया इसी तरह सेम है आपका, ठीक है। तो आप लोग अभी से फिजिकल अपना चालू कर दीजिए और आपका फिजिकल इसमें कितना होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका फिजिकल आपका 10 किलोमीटर रनिंग होगा मेल के लिए। इसके बाद आपको 60 मिनट टाइम इसमें दिया जाएगा और महिलाओं के लिए 30 मिनट टाइम दिया जाएगा 5 किलोमीटर के लिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है।
इतना आपका होने वाला है। और आपको फिजिकल के लिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, तो फिजिकल के लिए टिप्स आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आप लोग छोड़ कर मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत आपको महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ से मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब इसकी वेबसाइट आएगी तो आप लोग ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।